अभी हम सेतुबंध आसन को देखेंगे कि सेतुबंध आसन किस तरह से हमको करना है। तो सेतुबंध आसन करने के लिए अपने राइट लेग को इस तरह से मोड़ेंगे, आपका राइट नी मुड़ेगा, आपका जो राइट हील है वो आपके राइट पेल्विक की तरफ, राइट हिप की तरफ आएगा, हाथ सीधे रहेंगे, कंधे ढीले रहेंगे। उसके बाद दूसरा पैर भी इसी तरह से आप मोड़ लेंगे, दोनों एड़ियों को पास में लेके आएंगे। अब उसमें थोड़ा सा अंतर बनाएंगे, अंतर कितना बनाना है, आधे एक फीट का बना लेंगे। अब अपने पेल्विक रीजन को आपको ऊपर उठाना है। जब आप पेल्विक रीजन को इस तरह से आप जब ऊपर उठाएंगे, आप अपने शोल्डर को एडजस्ट करेंगे, दोनों हथेलियां सीधी, शोल्डर को एडजस्ट कर लिया। अब आप जितना ऊपर तक अपने पेल्विक को ऊपर उठा सकते हैं उठाएंगे। ध्यान रहे कि आपके पैर जमीन से 90 डिग्री एंगल, देखिए 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। आपके हाथ आपकी एड़ियों को टच करते हुए, अगर नहीं कर पा रहे हैं टच तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप इसका प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, आपके टच करने लगेंगे। थोड़े समय बाद जब आप इसमें एडवांस हो जाएंगे, जब आप इसमें अच्छे हो जाएंगे, तब आप दोनों हाथ की हथेलियों से अपने हिप को ऊपर की तरफ पुश करेंगे, इस तरह से जैसे मैंने किया हुआ है। अपनी बॉडी को स्टेबल करेंगे। अब आप अपने पूरे अवेयरनेस अपने थोरेसिक रीजन पे लेके जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे जो बैक बेंडिंग आ रही है उसकी तरफ आप अपनी अवेयरनेस को रखेंगे, हर एक वर्टेब्रा को देखेंगे। यहाँ पे आप स्ट्रेचेस फील करेंगे, आपके हैमस्ट्रिंग के ऊपर पूरा आएगा, आपके थाइस मसल्स में आएगा, आपका जितना भी एंटीरियर पोर्शन है, आपका एब्डोमिन है, आपका साइड ऑब्लिक्स है, रेक्टम है, पेल्विक है, सब जगह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है। उसके बाद आपका शोल्डर ओपन हो जाएंगे, चेस्ट ओपन हो जाएगा, तो आपके पेल्विक को तो ऊपर की तरफ मूव करना है, बिल्कुल वर्टिकल फ्रॉम द ग्राउंड, और आपका जो चेस्ट है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड रहेगा ग्राउंड से, और वहाँ पे आपको एक कर्व दिखेगा। अब यहाँ पे मेरा जो चिन है वो मेरा जगलर नॉच के अंदर फिट है इस तरह से, तो यहाँ पे मेरा जलंधर बंद भी अप्लाई हो चुका है। जलंधर बंद जो होता है वो आपके जो आपका गले का हिस्सा होता है, जो थायरॉयडियल ग्लैंड होता है, उसको एक्टिवेट करता है। तो उससे जो भी थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे TSH बढ़ जाता है, घट जाता है, T3 T4 का सही सेक्रेशन ना होना, हार्मोन का इम्बेलेंस होना भी इसी की वजह से होता है, तो इसको करने से आपका ये भी सही होता है, साथ में सामने का पूरा वजन घटाता है। और इसको जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो हमने जैसे कल देखा था कि जब भी बॉडी पीछे की तरफ बेंड होती है तो क्या होता है कि हम सांस भरते हुए आते हैं, तो अब सांस छोड़ते हुए हम वापस ज़मीन पे आ जाएंगे। ज़मीन पे आ जाने के बाद आप अपने घुटनों को मोड़ के ही रखेंगे। अब आप अपने घुटनों को चेस्ट के पास लेके आएंगे जितना संभव हो सके, हाथ सीधे रहेंगे, कंधे ढीले रहेंगे, चेस्ट के पास आप अपने घुटनों को कोशिश करें जितना पुश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस तरह से आपकी उंगलियों से फिंगर लॉक बनाएंगे। आपका ये जो टीबिया बोन होता है, मतलब जो आपके नी से लेके एंकल तक के बीच की हड्डी होती है, उसको हम टीबिया बोन कहते हैं, तो उस पर ऐसे फिंगर लॉक बना लेंगे। फिंगर लॉक बनाने के बाद अपने नी को चेस्ट के पास प्रेस करेंगे इस तरह से। अब आपको पैरों को इस तरह से नहीं रखना है, आपको इस तरह से रखना है, मतलब आपका जो टो है वो सामने की तरफ फेस करेगा, ऊपर की तरफ नहीं। अब सामने की तरफ ऐसे भी नहीं कि आप एंकल को ना मोड़ें, तो एंकल को बिल्कुल आप मोड़ेंगे इस तरह से जैसे मैंने बता रखा है। अब सांस छोड़ते हुए आप इसमें गए थे, इसी तरह सांस छोड़ते हुए ही आप अपने अपर टॉर्सो को, अपने शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, चिन को आप अपने नीज के बीच में लेके आएंगे, इस तरह की स्थिति को आप होल्ड करेंगे। ये होता है पवन मुक्त आसन। इसमें आप सांस छोड़ते हुए आसन में आए, क्योंकि ये फॉरवर्ड बेंडिंग वाला पोस्चर है। इस आसन में आप थोड़ी देर रहेंगे। इस आसन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गैस रिलेटेड प्रॉब्लम सारी दूर कर देता है, जितनी भी गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सबको दूर करता है, इसीलिए इसका नाम पवन मुक्त आसन कहा जाता है, द विंड रिलीविंग पोज। फिर
धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने कंधों को, अपने सर्वाइकल को, अपने बैक हेड को वापस ज़मीन पर ले आएंगे। जिस तरह से हम आसन में गए थे उसी तरह से हम रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपने फिंगर को अनलॉक करेंगे, ग्राउंड पे लेके आएंगे, अभी चेस्ट नी के पास रहेंगे, फिर धीरे 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 हम उसको वापस न्यूट्रल में लेके आ जाएंगे। दोनों पैर सीधे कर लेंगे। तो ये जो था, ये था हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को अगर आप सुबह उठते ही बेड पर भी करते हैं, अगर सुबह उठते ही आप इसको 3 बार करते हैं और रात को सोने से पहले करते हैं, तो आपको गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती है। तो जिसको भी गैस की रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको भी पेट में दिक्कत होती है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पवन मुक्त आसन करिए, पवन मुक्त आसन। लेकिन अगर आपको अल्सर है तो आप इसको बिल्कुल ना करिए। अगर आपको कॉलन रिलेटेड प्रॉब्लम है बिल्कुल मत करिए। छोटे मोटे अगर इशू हैं आपको डाइजेस्टिव ट्रैक से लेके, तो आप बिल्कुल इसको करिए। उसके बारे में अभी और मैं आगे बात करूँगा। अभी जो हमारी मेन सीरीज़ है वो है ओबेसिटी के बारे में, मोटापे को कम करने के बारे में। तो यहाँ पे जब हम इन आसनों को करते हैं तो वो क्या होता है कि आपके फैट को बर्न करता है। अभी हम विपरीत करनी, जो कि एक मुद्रा है, उसको हम करेंगे। तो आसनों में विपरीत करनी करने का क्या मतलब है? मतलब है, अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो इसमें भी आप अर्धहलासन की स्थिति में जाएंगे, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। धीरे धीरे पैरों को पेल्विक से उठाएंगे, आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। 30 डिग्री उठ जाने के बाद अपने शोल्डर को चेक करेंगे। शोल्डर का चेक करने के बाद आप 60 डिग्री तक उठाएंगे, फिर शोल्डर को चेक करेंगे। फिर इस पोजीशन में अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो रखेंगे, आपके पेट पर पूरा वजन आएगा, रेक्टम एक्टिवेट होगा, आपका एब्डोमेन एक्टिवेट होगा, तो यहाँ पे आपका एक्सेस फैट जो होगा बेली पे वो ख़त्म होगा। फिर सांस छोड़ते हुए अर्धहलासन में आएंगे, 90 डिग्री शोल्डर चेक करेंगे। जब हम हाथ का सपोर्ट लेते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाते हैं तो हमारे कंधे भी उठ जाते हैं, इसीलिए हम बार बार यही कहेंगे कि आपको कंधे ढीले रखने हैं। अब आपकी जो फिंगर है, फिंगर टिप्स को आप अपने मैट पर सपोर्ट करिए इस तरह से, और अपने पैरों को पीछे की तरफ धकेलिए। पीछे की तरफ जब आप धकेलेंगे तो आपका जो पेल्विक रीजन है वो इस तरह से उठ जाएगा। पेल्विक रीजन उठ जाने के बाद आप अपने हाथों से अपने हिप्स पे इस तरह से सपोर्ट लेंगे। दोनों एल्बो सीधे रहेंगे, मैट के पैरेलल रहेंगे। अब अपने पेल्विक रीजन से आपको इस तरह से अनफोल्ड करना है। कैसे था कि मैं पहले यहाँ पे था, उसके बाद मैंने पैरों को, घुटनों को नहीं मोड़ा, घुटने मेरे सीधे हैं, इस तरह से मैंने किया। अब मेरी जो पैर के अंगूठे हैं वो आसमान की तरफ देख रहे हैं। इस स्थिति को मैं होल्ड रखूँगा, अपने ग्लूटस को स्क्वीज करूँगा, अपने हिप्स मसल को स्क्वीज करूँगा। अब इस स्थिति में आ जाने के बाद जब आप अवेयरनेस को अपनी बॉडी पे लेके जाएंगे तो आप एक फील करेंगे कि आपकी सारी एनर्जी नेवल से आपके थ्रोट की तरफ आ रही है। अगर एनर्जी अनकॉन्शियसली, क्या होता है कि अनकॉन्शियसली वो थ्रोट से नेवल की तरफ जाती है, तो हमारे ओल्ड एज जल्दी आने लगता है। तो जिन लोगों को ओल्ड एज डिले करना है, मतलब जिनको अपने बुढ़ापा जल्दी नहीं लाना है, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप इस तरह की स्थिति में रहिए। लेकिन स्थिति इस तरह की होने के साथ साथ आपको अवेयरनेस भी रखनी पड़ेगी अपनी बॉडी में। अगर आपका ध्यान इधर उधर कहीं और है तो आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। इस तरह की स्थिति में आप रहेंगे, पैरों को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नहीं करेंगे, सीधे आपके पैर इस तरह से रहेंगे। पैरों का जो भी प्योर ब्लड है वो ऊपर की तरफ आता है। इस स्थिति को कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करेंगे तो आपको यहाँ पे शुरू में ऐसा लगेगा जैसे आपके बाइसेप में, ट्राइसेप में बहुत दर्द हो रहा है, तो आप धीरे धीरे आपको इसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। उसके बाद धीरे से पैरों को पीछे लेके जाएंगे, वर्टिब्रा पर वर्टिब्रा अपने स्पाइन को ग्राउंड पर रखेंगे। हाथों की मदद आप ले सकते हैं। इस तरह से आप अर्धहलासन की स्थिति में आ जाएंगे, अपने कंधों को ढीला कर लेंगे। इस स्थिति में आ जाने के बाद धीरे धीरे पेल्विक से अनफोल्ड करेंगे सांस भरते हुए। तो ये था
विपरीत करनी के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वांगासन के बारे में। तो विपरीत करनी का ही थोड़ा सा वेरिएशन होता है सर्वांगासन। सर्वांगासन मतलब शोल्डर स्टैंड, विपरीत करनी मतलब एल्बो स्टैंड। तो ये उसी का थोड़ा सा वेरिएशन है। जिस तरह से हम इसमें विपरीत करनी में गए, उसी तरह से हम सर्वांगासन को करेंगे। धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे पेल्विक रीजन से, 30 डिग्री शोल्डर चेक, 60 डिग्री शोल्डर चेक, 90 डिग्री शोल्डर चेक, फिंगर टिप का यूज़ किया, प्रेस किया, दोनों पैरों को पीछे ले जाने की कोशिश करी। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है कि जब आप विपरीत करनी कर रहे थे, एल्बो स्टैंड कर रहे थे, तब आप इस तरह से इंक्लाइंड होके फिर जा रहे थे, लेकिन आपको शोल्डर स्टैंड में क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से लेके जाना है पीछे तक, फिर आपको अपने हाथों से थोरेसिक रीजन जो आपका ये पीठ का मध्य भाग है उसमें आपको सपोर्ट देके और इस तरह से दोनों पैर के अंगूठों को ऊपर की तरफ देखना है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके शोल्डर से आपके टोज तक पूरा इन लाइन है, इस तरह से ये पूरा इन लाइन है। इस स्थिति को आप होल्ड करेंगे जितनी देर आप कर सकते हैं, तो इससे आपको पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो इससे सही हो जाती है, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो सही हो जाती है। जो पीरियड्स का टाइम होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम होता है, तब ये वाला बहुत हेल्पफुल होता है। उस समय ना करें, लेकिन नॉर्मल डेज में इसको ज़रूर करें। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो विशुद्धि चक मेरे गले पे है वो मेरा एक्टिवेट हो रहा है, मेरा जलंधर बंद लग रहा है। तो यहाँ पे मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम भी क्योर करेगा ये। जब पेट से रिलेटेड चीज़ें इशू सही होंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी सही होंगी। इस आसन को थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे, उसके बाद पैरों को वापस नीचे लेके जाएंगे, वर्टिब्रा ग्राउंड पे आएंगे। अर्धलासन में आ जाने के बाद धीरे धीरे पैरों को अनफोल्ड करेंगे। ये स्थिति आ जाने के बाद आपको इसका काउंटर पोज करना है, जैसे कि हमने सेतुबंध आसन का काउंटर पोज किया था, वो था पवन मुक्त आसन। इसी तरह से अभी हमें इसका काउंटर पोज करना है। तो काउंटर पोज इसका होता है मत्स्य आसन, द फिश पोज। तो फिश पोज करके मैं दिखाऊंगा। इस तरह से आप थोड़ा सा इंक्लाइन होंगे, सारा वजन आपका आपके कोहनियों पे, चेस्ट को ओपन करते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, आपके क्राउन पोर्शन को ग्राउंड पे इस तरह से रख देंगे। पहले क्या हुआ था, सर्वांग आसन में इस तरह से गर्दन थी मेरी बिल्कुल 90 डिग्री। अब इसको एक्टिवेट बैलेंस रखने के लिए मैं इस तरह से करूँगा। तो ये होता है अर्ध मत्स्य आसन, सरल मत्स्य आसन। सरल क्यों बोला, क्योंकि इसका एक वेरिएशन है जिसको हम पूर्ण मत्स्य आसन कहते हैं, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। पहले आप इसको देखें, पैर सीधे हैं, पीठ पे बैक पे आर्च है, मेरे पूरी स्पाइन मेरी कर्व्ड है। ये सर्वाइकल में बहुत अच्छा है, ये थायराइड में बहुत अच्छा है, ये ओबेसिटी वालों के लिए बहुत अच्छा है। पीछे की तरफ देखते रहें, सारी अवेयरनेस अपने गले पे। अब हाथों का सपोर्ट लेके अपने क्राउन को रिलीज कर देंगे और इस तरह से लेट जाएंगे। अभी मैं आपको मत्स्य आसन, जो पूर्ण मत्स्य आसन है, वो करके दिखाऊंगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से अपने पैरों पे पद्मासन बनाना है। पद्मासन जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। बस आपको वीडियो में देख सकते हैं कि आप मैंने अपना लेफ्ट लेग अपने लेफ्ट पेल्विक जॉइंट पर रखा, राइट सोल मैंने अपने लेफ्ट पेल्विक जॉइंट पर रखा, उसके बाद मैंने अपने नीज को ज़मीन पर रखा। ये था पद्मासन। अब मैंने पीछे हाथों का सपोर्ट लेते हुए, एल्बो का सपोर्ट लेते हुए मैं पीछे की तरफ देखूंगा। तो ये था एक वेरिएशन, इसको हम कहते हैं पूर्ण मत्स्य आसन, द कंप्लीट फिश पोज, और सिंपल द फिश पोज। और पहले जो था वो सरल मत्स्य आसन था। इस तरह से आप देखेंगे पीछे की ओर, सांसों को सामान्य। अब सीधे आके ऐसे लेट जाएंगे, पैरों को खोल देंगे
और थोड़ी देर शवासन की स्थिति में। शवासन, मैंने आपको सूर्य नमस्कार के तुरंत बाद भी बताया था कि शवासन को करने का जो सही तरीका है वो किस तरह से है, कि अपनी सारी चेतना को अपने पूरे शरीर पे एक बार घुमाइए। हल्की सी जब आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी तब आपको आगे बढ़ना है। तब तक आपको अपने पूरे सूक्ष्म पार्टों पे अपनी अवेयरनेस को इधर उधर सब जगह लेके जाना है। हर एक स्ट्रेच जहाँ पे भी आया उसकी तरफ देखेंगे, पैरों में अंतर है मेरे 1.5 से 2 फीट, उस बात का याद रखेंगे। हथेलियाँ ऊपर की ओर खुली हुई हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कंधे ढीले हैं। सबसे पहले मैंने अपनी नॉस्ट्रिल पे पूरी अवेयरनेस रखी, फिर उन पोर्शन पे लेके गया जहाँ पे मेरे को स्ट्रेच की फीलिंग आई, फिर मैंने हर एक पार्ट पे, हर एक बॉडी के पार्ट पे अपने अवेयरनेस को रन किया, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अंगूठा, उंगलियाँ, कलाई, इस तरह से मैंने सब जगह हर एक वर्टिब्रा, नॉस्ट्रिल, आईब्रो, आँख, आपका माथा, आपका फ्रंटल ब्रेन, सब जगह आपने अवेयरनेस को दौड़ाया। अब आप दोनों पैरों को मिला लेंगे। यहाँ पे हम अपने प्रोटोकॉल में बस इतने ही सुपाइन लाइन के आसन करेंगे। अभी हम प्रो लाइन में आएंगे, मतलब अभी हमने पीठ के बल लेटने वाले आसन करे थे, अभी हम पेट के बल लेटने वाले आसन करेंगे। तो एकदम से आपको इस तरह से नहीं जाना है, आपको कभी भी करवट लेनी है तो आपको सबसे पहले आपको एक पैर उठाना है, उसका अल्टरनेट हैंड पीछे लेके जाना है इस तरह से, फिर पैरों को पहले घुटने को उधर, हाथ का सपोर्ट लिया और फिर इस तरह से आप ज़मीन पे आ गए। जैसे सुपाइन लाइन में हमारा शवासन था, उसी तरह से इसमें जो होता है वो होता है मकरासन, द क्रोकोडाइल पोज। तो इसमें क्या करना है, आपको जैसे मगरमच्छ ज़मीन पे इस तरह से लेटा रहता है, आपको पैर बिल्कुल सीधे, पैरों में थोड़ा सा सामान्य अंतर। अब आप क्या करेंगे, कुशन बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड लगाएं या राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड लगाएं, कोई नहीं, जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं। बस ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर आपने राइट हैंड ऊपर रखा है तो आपको राइट ईयर इस तरह से रखना है। यहाँ पे पैरों में घुटने नहीं मुड़ेंगे, पैर बिल्कुल ढीले रहेंगे, एड़ियाँ एक दूसरे की तरफ देखती हुई थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहेंगे, रेस्ट करेंगे। जैसे हम शवासन में हर एक पार्ट को देख रहे थे उसी तरह से इसमें भी हम हर एक पार्ट को देखेंगे। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, बस आपको ध्यान ये रखना है जो हाथ ऊपर है वही कान आपको रखना है। पूरी बॉडी में अवेयरनेस लेके जाएंगे, रन करेंगे। अब उसके बाद ये हो जाने के बाद, जब सामान्य ब्रेथ हो जाएगी, उसके बाद आप शलभासन की तरफ आएंगे। शलभासन का मतलब होता है द लोकस्ट पोज। संस्कृत में लोकस्ट को शलभ बोलते हैं, इसीलिए इसको शलभासन कहा है, क्योंकि फाइनल पोस्चर जो इसका होता है वो शलभ के जैसा, लोकस्ट के जैसा दिखता है। आप अपने चिन को ग्राउंड पर रखेंगे, आप अपने टोज को अंटक रखेंगे, टोज आपका सामने की तरफ फेस करा होगा, हथेलियाँ आपकी ऊपर आसमान की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधे, कलाई आपके पैर के पास। अब आप अपने हाथों से, हथेलियों से पैरों के नीचे, थाइज के नीचे इस तरह से एडजस्ट करेंगे, और एडजस्ट करने के बाद आप इसको ऊपर की ओर उठाएंगे। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। हाथ, दोनों हथेलियों को पैरों के नीचे रखा और मैंने हाथ के सपोर्ट से, पेल्विक रीजन से मैंने पैरों को ऊपर उठाया, जितना मैं उठा सकता हूँ धीरे धीरे। ध्यान रहे मैंने पेल्विक से उठाया, मैंने ऐसे नीज नहीं उठाई, नीज पर बेंड नहीं किया, मतलब नीज पर बेंड करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए नीज पर तो बेंड करना ही नहीं है। तो क्या करना है, बिल्कुल पेल्विक से आप इस तरह से उठाएंगे। तो ये उत्तान पाद आसन के जैसा दिख रहा है, वो सुपाइन लाइन का था, ये प्रो लाइन का है। तो प्रो लाइन में ये शलभासन बन गया। अब क्या होगा कि पैर में से नीचे से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ, कमर की तरफ आएगा, तो इससे साइटिका नर्व्स में भी एक्टिवेशन होगा, लंबार स्पाइन में भी अंतर आएगा, फ़र्क आएगा, आपको पेन रिलीफ होगा। तो जिन लोगों के
जिन लोगों के लोअर बैक पेन होता है, साइटिका की प्रॉब्लम है, हिप रिलेटेड इशू है, हिप ओपन नहीं होता सही से, उनके लिए बेस्ट है। दूसरी बात ये कि जब मैं ऊपर गया तो मैंने ये देखा कि मेरे बॉडी पेल्विक से पीछे की तरफ जा रही है, मतलब ये बैक बेंडिंग का पोस्चर दिख रहा है मेरे को। अब बैक बेंडिंग का पोस्चर दिखने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर सांस भरते हुए आसन में गया, सांस भरने के बाद मैंने नॉर्मल कर दी, नॉर्मल करने के बाद मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसको होल्ड रखा और फिर मैं वापस ज़मीन पर आ गया, हथेलियों को बाहर निकाल लिया। तो इस तरह आप इसके 3 बार राउंड करेंगे। अब मैं एक बार प्रिपरेटरी बता देता हूँ इसका, जिन लोगों से शुरू में ये नहीं हो वो क्या करें कि एक एक पैर के साथ करें, जैसे उत्तान पाद आसन में हमने किया था, एक एक पैर के साथ किया था इस तरह से। ध्यान रहे यहाँ भी घुटना नहीं मुड़ेगा, कंधे ढीले रहेंगे। फिर दूसरे पैर से यही काम, फिर वापस पैर दोनों नीचे, एड़ियां मिली हुई। अभी मकरासन में आ जाएंगे। 3 राउंड हो जाने के बाद मकरासन में आएंगे। शुरू में आप 2 या 3 से शुरू करें, फिर उसके बाद धीरे धीरे 5, 7, 10 जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर सकते हैं। मकरासन में थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, सारा अवेयरनेस अपने जहाँ पे भी कंप्रेशन आया, कंप्रेशन कहाँ आया आपके लंबार स्पाइन पे। तो ये आसन जिनको बैक प्रॉब्लम होती है, बैक पेन होता है या फिर सर्वाइकल है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं इसका आगे का स्टेप बताता हूँ। आगे आपको क्या करना है, इसमें भुजंग आसन करना है। तो भुजंग आसन, अभी हमने पेल्विक से नीचे के पोर्शन को एक्टिवेट किया, अब हम ऊपर के पोर्शन को एक्टिवेट करेंगे। मतलब हम कोबरा के जैसे करेंगे, जैसे हमने सूर्य नमस्कार में हमने किया था। सूर्य नमस्कार का जो 7th राउंड था, 7th स्टेप था, वो भुजंग आसन था। हथेलियों को इस तरह से अपने कंधों के नीचे रखेंगे, कंधों से थोड़ा सा बाहर की तरफ, हथेलियों को इस तरह से नहीं खोल लेंगे इसको, एड़ियों को मिला लेंगे, घुटनों को मिला लेंगे। जो कोहनियाँ वो बाहर नहीं आएंगी, आपके टॉर्सो के पास आएंगी, आपका फोरहेड जमीन पर रहेगा। फाइनल स्थिति ये रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना अपर टॉर्सो उठाना है सांस भरते हुए और ऊपर की तरफ देखना है। कंधे ऊपर इस तरह से नहीं उचकाने, कंधे बिल्कुल ढीले सामान्य रहेंगे। तो इससे आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगा, चेस्ट ओपन होगा, आपके जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है आपके एब्डोमिन में वो रिड्यूस होगा। जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है या बीपी प्रॉब्लम है, वो इस पूरी सीरीज़ में कोई भी आसन को विदाउट किसी गाइडेंस ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है, हर कोई आसन हर किसी के लिए नहीं होता है, तो वो एक्सपर्ट के सुपरविज़न में ही करेंगे। इस आसन में जब हम आए थे तो सांस भरते हुए आए थे, फिर हम सांस छोड़ते हुए वापस नीचे, माथा जमीन पे, और इस स्थिति में हम आ गए। इस तरह से हम 3 राउंड इसके करेंगे। अब ये हो जाने के बाद हम साइड ट्विस्टिंग करेंगे। तो साइड ट्विस्टिंग करने से पहले मैं आपको एक बार धनुरासन और करा देता हूँ। धनुरासन का मतलब, जब आप पेल्विक से नीचे थे तब आपने शलभासन किया था, ऊपर थे तब आपने भुजंगासन किया, अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको धनुरासन कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने नीज को बेंड करेंगे, चिन को ग्राउंड पर रखेंगे। नीज बेंड हो जाने के बाद दोनों एंकल को इस तरह से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद अपने अपर टॉर्सो को ऊपर उठाएंगे, सामने की तरफ देखेंगे और फिर दोनों थाइज को ऊपर की ओर उठा लेंगे। इस तरह की स्थिति में आ जाएंगे, शोल्डर आपके ओपन रहेंगे, सारा प्रेशर आपके एब्डोमिन पे आएगा। यहाँ पे इस स्थिति को फील करेंगे, जहाँ पे भी आपका प्रेशर आ रहा है, जहाँ भी सेंटर पॉइंट बनना है उस पे आप अपनी पूरी अवेयरनेस को रखेंगे, सामने की तरफ देखते रहेंगे किसी एक पॉइंट की तरफ। आप चाहें तो आँखें बंद करके अपने लंबर स्पाइन पे अपनी पूरी अवेयरनेस को भी रख सकते हैं। वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए, पहले हम गए थे सांस भरते हुए। उसके बाद थोड़ी देर हम मकरासन की स्थिति में आराम करेंगे। जब हमारी ब्रेथ नॉर्मल हो जाएगी तब तक हम इसी तरह से रहेंगे, सारी ध्यान आपके लंबार स्पाइन पे, आपके
नॉस्ट्रिल पे। अभी देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी कि मेरे को मेरी ब्रेथ बढ़ी हुई है, तो ब्रेथ जब बढ़ी हुई है इसका मतलब मेरा कार्डियो भी वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही बेटर आसन होता है, ये बहुत ही जल्दी सारे फैट को रिड्यूस कर देता है। अभी जल्दी से अपन एक साइड ट्विस्टिंग देख लेंगे इसका। साइड ट्विस्टिंग में आप अपनी नीज को बेंड रखेंगे। साइड ट्विस्टिंग में इससे पहले बता रहा था लेकिन फिर मैंने धनुरासन बीच में लगा दिया, इसलिए जिससे कि आपको याद रहे, आपको मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ कि आपने पहले शलभासन किया, फिर भुजंग किया, फिर आपने धनुर किया, तो आप भूलेंगे नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अभी दोनों पैरों को आपने इस तरह से नीज पर से बेंड कर रखा है और आप सांस छोड़ते हुए इस तरह से बेंड कर लेंगे, सारा टेस्ट आप फील करेंगे। चल पॉज कर दे।